अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएस ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 27 से 32। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये, यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले जो है जी क्वेश्चन नंबर 27 से 32 में वो आपको कह रहा है एक्सप्रेस द डबल इंटेग्रल ओवर आर, आर मीन्स ओवर द रीजन, ठीक है, एज एन इटरेटेड इंटेग्रल एंड फाइंड द वैल्यू। कह रहा है कि आपको डबल इंटेग्रल दिया हुआ है, उसको डबल इंटेग्रल जो है वो किसी रीजन पे दिया हुआ है। रीजन से मुराद आपको पता है, आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आपके पास एक ग्राफ जो बनता है वो एक्स वाई प्लेन में बनता है, ठीक है, तो वहां पर एक्स रीजन भी आ रहा होता है, वाई रीजन भी आ रहा होता है। तो हम ओवरऑल बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी हमारा ये रीजन है, ठीक है। तो उसने कहा कि आपको डबल इंटेग्रल दिया हुआ है एक रीजन पे, उसको आपने आइट्रेटेड इंटेग्रल के तौर पर सॉल्व करना है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डी ए, आपको पता है कि डी ए का मतलब है डी एक्स और डी वाई। अगर नहीं पता तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आपने लास्ट टाइम में ये फर्स्ट लेक्चर जो आई थिंक था 13.1 का, उसमें आपने देखा था कि आपके पास ये एक रीजन था, आपके पास ये एक रेक्टेंगुलर रीजन था, यहां पर आपके पास जो था वो पॉइंट एक्स लिया हुआ था और यहां पर आई थिंक आपने जो पॉइंट लिया हुआ था वो आपके पास y पॉइंट था, ठीक है। तो ये जो रीजन था आपके पास, ये रीजन आपके पास r रीजन था जिसमें आपके पास r x भी शामिल था, r y भी शामिल था। r x r y से मुराद ये है कि x एक्सिस का भी कुछ पार्ट शामिल है और y एक्सिस का भी कुछ पार्ट शामिल है, ठीक है। अगर आप देखो तो ये जो आपका रेक्टेंगल बन रहा है ये एक्स वाई प्लेन में बन रहा है, ठीक है। तो रीजन जो है वो आपका r x और r y रीजन है। तो जब हम ओवरऑल लिखते हैं तो हम लिखते हैं रीजन हमारा आर रीजन है। यहां पे आपको पता था कि आपने एक्स एक्सिस का पॉइंट जो था वो लिया हुआ था, आई थिंक ये आपके पास था फ्रॉम ए टू बी, और यहां पर आपके पास कोई पॉइंट था एक्स। इसी तरह ये आपके पास जो था ये फ्रॉम सी टू डी था और यहां पर आपने कोई पॉइंट लिया हुआ था y, ठीक है। तो ये वो पॉइंट था जहां पर आपका एक्स वाई बन रहा था, जिसको आप लिखते हो f ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना, समझ आ रही है। आपके पास ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है, यहां पर जो है ये a से स्टार्ट हो रहा है b तक, ठीक है। रेक्टेंगुलर के एंड पॉइंट्स को a टू b कहा है फ्रॉम x एक्सिस, और रेक्टेंगुलर के एंड पॉइंट्स ऑन y एक्सिस को आपने कहा है c टू d। यहां पर एक पॉइंट आपने लिया x और यहां पर एक पॉइंट लिया y, तो ये वो पॉइंट है जहां पर आपका फंक्शन जो है जो भी x y डिफाइन है, ठीक है। और आपके पास ये जो है ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर रीजन है। इंटीग्रेशन जो है वो हम यूज करते हैं एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर रीजन है, इंटीग्रेशन बेसिकली यूज करते हैं एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए। अब अंडर द कर्व फाइंड करने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपके पास कोई कर्व ही होगी फिगर। एरिया अंडर द कर्व का मतलब है कि आपने फिगर के अंदर वाले पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए उसने इसको लिखा हुआ है डी ए, ठीक है। अब आपको पता है कि रेक्टेंगुलर रीजन है और रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया आप फाइंड कैसे करते हो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। आपके पास लेंथ है डी एक्स, ठीक है, ये आपके पास लेंथ है। जब x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो आप dx लिखेंगे और ब्रेथ आपके पास इसकी है dy, ठीक है। ये आपके पास लेंथ है और ये आपके पास ब्रेथ है, तो dA की जगह मैंने यूज किया है dx dy। अब आप सोच रहे होंगे कि लेंथ मैं x भी ले सकती हूँ, लेंथ y भी ले सकती हूँ, मैं dx dy क्यों ले रही हूँ। तो स्टूडेंट्स जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम या तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करते हैं, या विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करते हैं, या विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो जब आप रेक्टेंगुलर रीजन की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपके पास एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व है, वाई एक्सिस भी इन्वॉल्व है, आपका फंक्शन जो है वो एक्स वाई वेरिएबल पर मुश्तमिल है। आप यहाँ पे देखो ये आपका फंक्शन है, इसमें एक्स भी शामिल है, इसमें वाई भी शामिल है। इट मीन्स कि आपका ये वाला फंक्शन एक्स वाई वेरिएबल पर मुश्तमिल है, तो आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी, इसलिए यहां पर डी एक्स और डी वाई लगाया, ठीक है। अब आपके पास पहले डी एक्स आ रहा है, तो आपके पास डेफिनेशन क्या है आइट्रेटेड इंटेग्रल की,
आइटरेटेड इंटेग्रल की आपको पता है डेफिनेशन, आपको कहती है कि पहले आपने इतना पार्ट सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा उसको फिर वाई के रिस्पेक्ट से आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि इंटीग्रेट आपने वाई को भी करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट आपने टू एक्स को भी करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप x के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहां पर y आपके पास कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेट आपने सिर्फ इसको करना है। यहाँ पे 2 आपके पास कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेट आपने सिर्फ x को करना है। उसके बाद आप देखो कि डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे के एंटी होते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास एक्स आ जाएगा, लिमिट आपके पास जाएगी फ्रॉम -1 to 2, ये 2 आपके पास एज इट इज रहेगा। अब आपने एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो जब आपने एक्स को इंटीग्रेट करना है तो देखो एक्स का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, अगर x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो पावर में एक ऐड करना, उसी से आपने डिवाइड कर देना है, लिमिट गोज फ्रॉम -1 to 2। अब क्योंकि आपने x के लिहाज से इंटीग्रेट किया तो लिमिट्स आपने सिर्फ x की जगह पर पुट करनी है, पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस, फिर आपने लोअर लिमिट पुट करनी है। तो x की जगह पर पहले मैंने अपर लिमिट पुट किया है, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर मैंने x की जगह पर लोअर लिमिट पुट की है, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी x की जगह पर पहले अपर लिमिट पुट करनी है, ऊपर वाला स्क्वायर वैसे ही, फिर माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट पुट करनी है, ऊपर वाला स्क्वायर आपके पास वैसे ही, तो ये 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 = 3, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, माइनस 1 का जब स्क्वायर लेंगे तो 1 हो जाएगा। यहां पर मोस्टली स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो करते हैं माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, आपने ऐसे नहीं करना, पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद देखना है कि यहां माइनस बचता भी है कि नहीं। जब आप -1 का स्क्वायर लेंगे यू गेट ओनली 1, 4 - 1 = 3, 3 × y = 3y। ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जब आपने x के लिहाज से इंटीग्रेट करने के बाद इसके ऊपर लिमिट्स पुट कर दी तो आपके पास यहां पर x जो है वो मुकम्मल तौर पर आपके इंटीग्रल में से खत्म हो गया है। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। मैंने क्या किया, 3 इधर भी था, 3 इधर भी था, 3 कांस्टेंट है, मैंने इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया कॉमन करके, अंदर रह गया y + 1। अब मैंने y को भी इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, 1 को भी इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। जब y को इंटीग्रेट कर रही हूं y के लिहाज से तो आपने देखना है कि y का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, बिल्कुल पड़ा हुआ है y का आगे डेरिवेटिव, तो पावर में एक ऐड करना, उसी से आपने डिवाइड कर देना है, लिमिट ग्रोस फ्रॉम -1 to 4। उसके बाद ये डेरिवेटिव है, ये इंटेग्रल है, एक दूसरे के एंटी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा वाई, लिमिट ग्रोस फ्रॉम -1 to 4। अब आपने y की जगह पर पहले अपर लिमिट लगानी है, ऊपर वाला स्क्वायर भी वैसे ही, ये नीचे वाला 2 भी वैसे ही, फिर माइनस y की जगह पर लोअर लिमिट लगानी है, ऊपर वाला स्क्वायर भी वैसे ही, नीचे वाला 2 भी वैसे ही, फिर प्लस y की जगह पर अपर लिमिट लगानी है, फिर माइनस y की जगह पर लोअर लिमिट लगानी है, तो 4 का स्क्वायर 16 ओवर 2 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर लेंगे यू गेट 1, ये 1 ओवर 2 आ जाएगा, 4 वैसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 आ जाएगा आपके पास, 4 + 1 करेंगे यू गेट 5, 2 1 2 2 8 16, ये आपके पास 8 आ जाएगा, ये -1 ओवर 2 आ जाएगा। तो बच्चों जब आप इसका एलसीएम लेंगे 2 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। अब आपको पता है कि एलसीएम आपने इसका, इसका और इसका लिया, तो एलसीएम अगर 2 आया तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 8 2 16 हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 16 + 10 करेंगे यू गेट 26, 26 - 1 करेंगे यू गेट 25, 25 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट 75 ओवर 2। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में उसने आपको फंक्शन दिया है x माइनस वाई, इंटीग्रेट करना है आपने इसको, लेकिन इसने आपसे कहा कि ये रीजन जो है आपके पास ये अब ट्राइंगुलर रीजन है। पिछले क्वेश्चन में जो रीजन आपको गिवन था वो आपके पास रेक्टेंगुलर रीजन गिवन था, यहाँ पर उसने मेंशन कर दिया कि ये जो रीजन आपके पास गिवन है ये ट्राइंगुलर रीजन है, जिसके वर्टिसेस आपके पास है 2 9 2 1 - 2 1। तो देखें जब आपके पास ट्रायंगुलर रीजन होगा तो आपने कैसे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। आपको दो लिमिट्स चाहिए, एक x के लिहाज से चाहिए, एक आपको y के लिहाज से चाहिए, और यहां पर आपके पास पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगुलर रीजन है तो आपको पता है कि ट्रायंगल के आपके पास 3 वर्टिसेस होते हैं।
ठीक है, तो उसने आपको तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से आपने यहाँ पर लिमिट कौन सी लगानी है? तो याद रखो कि जब भी आपके पास ट्रायंगुलर रीजन आएगा, आपको उसको पहले वहां से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या तरीका है? देखें, सबसे पहला वर्टिस आपको जो दिया हुआ है 2 9 दिया हुआ है। इन वर्टिसेस की हेल्प से सबसे पहले मैं ट्रायंगल ड्रॉ करने लगी हूँ। आपको दिया हुआ 2 9, एक्स एक्सिस पे 2 चाहिए और वाई एक्सिस पे आपको 9 चाहिए। ये आपके पास है 1, ये आपके पास है 2, यहाँ पे मैंने 2 2 का डिफरेंस लिया है 2 4 6 8 10, ठीक है। अब आपको x एक्सिस पे 2 चाहिए और y एक्सिस पे 9 चाहिए, तो x एक्सिस पे 2 ये रहा और y एक्सिस पे अगर आप 9 देखो तो ये 8 और 10 के बीच में आपके पास आना है 9, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली वो पॉइंट है जहां पर y 9 है और x आपके पास 2 है, तो यहां आपने पॉइंट लगा लेना है। नेक्स्ट देखिए, आपको दिया हुआ 2 और 1, x एक्सिस पे 2 चाहिए और y एक्सिस पे 1 चाहिए, तो x एक्सिस पे 2 ये रहा और y एक्सिस पे 1 अगर चाहिए तो वो आपके पास ये है, ठीक है। तो यहां पर आपने पॉइंट लगा देना, ये वो पॉइंट है जहां पर आपके पास y 1 है और x आपके पास 2 है। थर्ड वर्टेक्स जो आपको दिया उसने वो दिया -2 और 1। अब x एक्सिस पे -2 है और y एक्सिस पे आपके पास 1 है, तो x एक्सिस पे आपके पास -2 ये रहा और y एक्सिस पे 1 आपके पास ये वाला पॉइंट है। ये आपके पास y एक्सिस पे 1 और x एक्सिस पे -2, तो ये तीन पॉइंट्स आपके पास आए हैं। इन तीनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। ट्रायंगल आपने ड्रॉ कर ली, उसके बाद आप देखो ये जो पोर्शन होता है ये आपके पास स्लोप होती है ट्रायंगल की। ये आपके पास ट्रायंगल की स्लोप है, ठीक है। मैंने ये फाइंड करनी है और ये फाइंड करके मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का आपके पास फॉर्मूला है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने फाइंड की है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला है y-y1 इज इक्वल्स टू mx-x1। m इज बेसिकली योर स्लोप, स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से, और स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला है y2-y1 ओवर x2-x1, ठीक है। स्लोप हम इस तरह से फाइंड करते हैं। तो आप बेशक यहां पर पहले इसको अलग से निकाल लो और यहाँ m की जगह पर वैल्यू निकाल लो जो भी आपकी स्लोप आती है, या बेशक m की जगह पर आप यही सारा पार्ट यहाँ लिख दें, ठीक है। यानी कि आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y-y1 इज इक्वल्स टू mx-x1। अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो पहले m की वैल्यू अलग से फाइंड कर लें। m की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? आप करेंगे y2-y1 ओवर x2-x1। अब y2 आपके पास क्या है और y1 क्या है? एक पॉइंट आपके पास ये है और एक पॉइंट आपके पास ये है, इन्हीं दोनों को मिला के आपके पास स्लोप बन रही है ना, तो आपने सिर्फ इन दो पॉइंट्स को कंसीडर करना है। पहले वाला आपके पास x का कोऑर्डिनेट है, दूसरे वाला y का कोऑर्डिनेट है, तो पहले वाले को मैंने x1 कह दिया, दूसरे वाले को y1 कह दिया। इसी तरह दूसरा कोऑर्डिनेट जो है इसमें भी आपके पास पहला वाला आपके पास x का कोऑर्डिनेट है और दूसरा वाला आपके पास y का कोऑर्डिनेट है, तो इसको मैंने कह दिया x2 और y2। तो आपको क्या चाहिए? y2-y1। y2 आपके पास 1 है और y1 आपके पास 9 है, तो y2-y1 करेंगे तो आप लिखेंगे 1-9। फिर आपको चाहिए x2-x1, तो x2 आपके पास -2 है, x2 की जगह पर -2 लिखा, फिर बीच में माइनस है, और x1 आपके पास कितना है? 2 है, ठीक है। तो 9-1 करेंगे यू गेट -8, और नीचे -2-2 जो है वो आपके पास आ जाएगा -4। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 4 2 8, तो स्लोप आपके पास कितनी आई है? 2 आई है।
तो यहां पर m की जगह पर आप 2 लगा लें, ठीक है। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप m अलग से फाइंड करने की बजाय, m आपके पास होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो मैंने यहां पर लिख दिया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। आपको बता भी दिया कि y2 आपके पास 1 है और y1 आपके पास 9 है, y2 आपके पास 1 है, सेंटर वाला माइनस आपके पास वैसे ही, y1 आपके पास 9 है, x2 आपके पास आप देख सकते हैं माइनस 2 है और x1 आपके पास 2 है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस 2 माइनस 2, तो 9 में से 1 निकालेंगे माइनस 8, माइनस 2 माइनस 2 आपके पास माइनस 4, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4 वन 4 4 2 जार 8। इतने इतना पार्ट तो आपको समझ लग गया। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, वाई माइनस वाई वन, तो वाई वन आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, 9 है। तो यहाँ मैंने लिखा है वाई एज इट इज रहा, माइनस एज इट इज रहा, वाई वन की जगह मैंने लगा दिया 9। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स वैसे ही, माइनस भी वैसे ही, एक्स वन आपके पास क्या था, 2 था, तो यहाँ मैंने लिखा दिया एक्स वन की जगह पर 2, ठीक हो गया। अब ये 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 यहाँ माइनस हो रहा है इस साइड पे आएगा, प्लस हो जाएगा, 9 में से 4 निकालेंगे यू गेट माइनस 5। ये y आपके पास 7 वैसे ही, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो देखो अब आपके पास x का पॉइंट आ गया है y माइनस 5 से लेकर 2 तक, आप देखें मैंने ये लिमिट कैसे लगाई है। जब आपने इन दोनों को सॉल्व किया है तो आपके पास x का एक पॉइंट आया है y माइनस 5 से लेकर 2 तक, ठीक है, और x का दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, 2 है। मुझे कैसे पता चला x का दूसरा पॉइंट 2 है, इस लाइन को जब मैंने सॉल्व किया है तो मेरे पास x की एक वैल्यू आई है y माइनस 5 ओवर 2, ठीक है, y माइनस 5 ओवर 2 x की एक वैल्यू आ गई। अब मेरे पास ये दो पॉइंट से तो क्या वैल्यू निकली x की, y माइनस 5 ओवर 2, ठीक है। अब आपने इन दो को देखो, जब इन दोनों को सॉल्व किया तो x की वैल्यू निकल आई एक y माइनस 5 ओवर 2 और एक x की वैल्यू आपके पास ये लिखी हुई है 2, ठीक है। तो x की लिमिट्स आपके पास जाएंगी y माइनस 5 ओवर 2 से लेकर 2 तक, और y की लिमिट आपके पास क्या जाएगी, 9 और 1, ठीक है, y की लिमिट क्या जाएगी, 1 और 9। तो इसी हिसाब से यहां पर मैंने लिमिट्स लगाई हैं, x की लिमिट जाएगी y माइनस 5 ओवर 2 से लेकर 2 तक और y की लिमिट आपके पास जाएगी 1 से लेकर 9 तक। अब क्योंकि यहां पर मैंने x की लिमिट पहले लिखी है तो फंक्शन को इंटीग्रेट पहले x के लिहाज से करना है फिर y के लिहाज से करना है। दूसरी बात ये कि अगर आपको नहीं पता चलता फिर भी कि किसके लिहाज से इंटीग्रेट करना है तो आइट्रेटेड इंटीग्रल की आपके पास डेफिनेशन में है कि अगर यहां पर y का फंक्शन आ रहा है तो आपने पहले x के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। अगर आपको याद हो तो आपके पास यहां पर डेफिनेशन थी कि अगर आपके पास h1 ऑफ y, h2 ऑफ y है और आपके पास यहां पर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो आपने इसको पहले इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन यू हैव टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू y, फिर आपने इसको y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। तो यहां पर आप यहां से भी देख सकते हो कि ये y का फंक्शन आ रहा है तो आपने इसको पहले x के लिहाज से इंटीग्रेट करना है फिर आपने इसको y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है, ठीक हो गया। सो बाय डेफिनेशन ऑफ आइट्रेटेड इंटीग्रल मैंने यहाँ पे ब्रैकेट पुट कर दी कि पहले मैंने इसको x के लिहाज से इंटीग्रेट करना है देन आई हैव टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू y। अब x के लिहाज से आपने इसको भी इंटीग्रेट करना है और इसको भी इंटीग्रेट करना है तो मैंने ये वाला इंटीग्रल जो है इस पे भी अलग कर दिया और ये वाला इंटीग्रल इस पे भी अलग कर दिया। अब जब आप x को इंटीग्रेट करोगे तो x का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, पावर में एक ऐड करना है उसी से आपने डिवाइड कर देना है एंड लिमिट गोज फ्रॉम y माइनस 5 ओवर 2 टू 2। यहां पर आप देख सकते हो कि जब आप इंटीग्रेट x के लिहाज से कर रहे हो तो y यहां पर आपके पास कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेट आपने सिर्फ dx को करना है एंड यू नो वेरी वेल कि डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे के एंटी होते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ x रह जाएगा और ये वाला y साथ वैसे ही एंड योर लिमिट गोज फ्रॉम y माइनस 5 ओवर 2 टू 2, ठीक है। उसके बाद ये 2 डिनोमिनेटर में, इसको मैंने साइड पे कर लिया,
लिमिट आपकी सिर्फ एक्स के ऊपर लगनी है। पहले अपर लिमिट लगानी है ऊपर वाला स्क्वेयर वैसे, फिर माइनस, आपने लोअर लिमिट लगानी है ऊपर वाला स्क्वेयर आपके पास वैसे, ठीक हो गया। सिमिलरली यहां पर भी लिमिट आपकी सिर्फ एक्स के ऊपर लगनी है, माइनस वाई को साइड पे कर लें, पहले एक्स की जगह पर आपने अपर लिमिट लगानी है, फिर माइनस एक्स की जगह पर आपने ये अपनी लोअर लिमिट लगानी है। उसके बाद आपको पता है कि 2 का स्क्वेयर लेंगे 4, ये वाला स्क्वेयर जो है ऊपर वाले पे भी है और नीचे वाले पे भी है। जब आप ऊपर वाले का स्क्वेयर लेंगे यू गेट y माइनस 5 का होल स्क्वेयर, और जब नीचे वाले का स्क्वेयर लेंगे आपके पास आ जाएगा 4। यहां पे मैंने एलसीएम ले लिया, 2 आपके पास एलसीएम है, मैंने इस टर्म और इस टर्म का एलसीएम लिया है, तो इधर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है। और यहाँ पर 2 इंटू 2 आपके पास बन जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने एलसीएम लिया तो 4 एलसीएम आ गया, इस टर्म का और इस टर्म का एलसीएम लिया है तो 4 से आपने इधर भी मल्टीप्लाई करना है और 4 से आपने इधर भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 4 4 16 हो जाएगा, ठीक है। अब आप स्क्वेयर ओपन कर दें, पहली का स्क्वेयर प्लस दूसरी का स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर लेंगे यू गेट 25, पहली का स्क्वेयर प्लस दूसरी का स्क्वेयर माइनस 2 के साथ पहली और दूसरी, ठीक है। तो यहां से आपके पास माइनस 10 वाई आ जाएगा। यहाँ पे 4 वाई माइनस वाई करेंगे यू गेट 3 वाई प्लस 5 ओवर 2, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर दें, 16 माइनस वाई का स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 10 वाई ओवर 4। जब इस वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट 3 वाई का स्क्वेयर, और वाई को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट 5 वाई। अब 4 2s are 8 हो गया, पहले मैंने लिखा है माइनस वाई का स्क्वेयर, फिर मैंने लिखा है 10 वाई, 25 में से 16 निकाला यू गेट माइनस 9। यहां पर आपके पास है 3y का स्क्वेयर प्लस 5y। अब आप देखो कि 2 और 8 का एलसीएम आपके पास 8 आ जाना है, ठीक है। आपने इस टर्म का और इस टर्म का एलसीएम लिया है, एलसीएम आपके पास 8 आया, तो 8 से आप इस सारे को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 से आप इस सारे को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां से 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 10 वाई माइनस 9, और यहाँ पे आपके पास 2 1s are 2, 2 4s are 8 होता है। तो आपके पास 4 से आपने मल्टीप्लाई करना है इस सारी टर्म को, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 4 लिखा है, 4 से आपने मल्टीप्लाई करना है 3y² प्लस 5y को। माइनस वाई का स्क्वेयर भी वैसे ही, 10 वाई भी वैसे ही, माइनस 9 भी वैसे ही, 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट माइनस 12 वाई का स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 4 5 से 20 वाई। अब ये 12 वाई का स्क्वेयर और ये वाई का स्क्वेयर आपके पास बन जाएगा माइनस 13 वाई का स्क्वेयर, 10 वाई माइनस 20 वाई करेंगे यू गेट माइनस 10 वाई, माइनस 9 आपके पास एज इट इज और नीचे वाला 8 भी आपके पास एज इट इज। अब 8 आपके पास इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, ठीक है। सबके नीचे मैंने 8 जो है वो अलग अलग कर दिया, और उसके बाद आपको पता है कि आपने इंटीग्रेट इसको भी करना है, इंटीग्रेट इसको भी करना है, इंटीग्रेट इसको भी करना है, तो मैंने इंटीग्रल सबके ऊपर अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब माइनस 13/8 आपके पास कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेट आपने सिर्फ वाई स्क्वेयर को करना है। वो जैसे हम डेरिवेटिव में कहते हैं ना कि ये कांस्टेंट है, या तो आप यूं बोल लो कि ये डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, या यूं कह लो कि इसने डेरिवेटिव के साथ कांस्टेंट ने तो वैसे के वैसे ही आ जाना है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जो कांस्टेंट है उसने तो साथ वैसे ही रहना है। आपने इंटीग्रेट सिर्फ करना है वाई स्क्वेयर को, वाई स्क्वेयर को कैसे इंटीग्रेट करना है, पावर को छोड़कर आपने देखना है कि क्या वाई का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, तो आपने पावर में एक ऐड करना है, उसी से आपने डिवाइड कर देना है, एंड योर लिमिट गोज फ्रॉम 1 to 9। सिमिलरली यहाँ पर 10/8 आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट ने तो वैसे ही साथ रहना है, ठीक है। इंटीग्रेट आपने सिर्फ y को करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो y का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, आपने पावर में एक ऐड करना है, उसी से डिवाइड कर देना है, एंड योर लिमिट गोज फ्रॉम 1 to 9।
सिमिलरली जब 9/8 आपके पास कांस्टेंट है उसको आप इंटेग्रल से बाहर निकालोगे तो आपके पास सिर्फ डी वाई रह जाएगा, ठीक है। जब आप 9/8 को बाहर निकालोगे आपके पास सिर्फ ये रह जाएगा। डेरिवेटिव और इंटेग्रल एक दूसरे के एंटी होते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास सिर्फ यहां पर वाई आ जाएगा। सो 8 3 24, अब y की जगह पर आपने एक दफा अपर लिमिट लगानी है, माइनस एक दफा लोअर लिमिट। तो y की जगह पर एक दफा आप 9 लगाएंगे, ऊपर पावर 3 है, फिर माइनस y की जगह पर आप एक दफा 1 लगाएंगे, ऊपर पावर 3 है। सिमिलरली 10 वैसे ही 8 2 16 हो जाएगा। y की जगह पर एक दफा आपने 9 लगाना है, ऊपर स्क्वेयर वैसे ही, फिर माइनस y की जगह पर एक दफा 1 लगाना है, ऊपर स्क्वेयर वैसे ही। सिमिलरली यहाँ पर 9/8 आपके पास साइड पे आ जाएगा, वाई की जगह पर एक दफा 9 लगाना है, फिर माइनस वाई की जगह पर एक दफा 1 लगाना है। 9 - 1 करेंगे यू गेट 8, 8 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 9। 9 का स्क्वेयर लेंगे 81, 1 का स्क्वेयर लेंगे 1, 81 में से 1 निकालेंगे यू गेट 80। इसकी मैंने कटिंग कर दी, कटिंग कैसे की, 8 2 16, 8 10 80, 2 1 2, 2 5 10, तो 10 5 करेंगे यू गेट 50, ठीक है। 9 की पावर 3 लेंगे यू गेट 729, 1 की पावर 3 लेंगे यू गेट 1, 729 - 1 करेंगे यू गेट 728। 8 के टेबल पे इसकी कटिंग की, 8 3 24, 8 91 728, ठीक है। एंड मेक इट क्लियर कि यहां पर आपके पास क्या है, 13 है। सो यहां पर हम करेक्शन कर लेते हैं। अब आपने 13 को मल्टीप्लाई करना है 91 से, यू गेट 1 1 8 3, ठीक है। नीचे 3 है, यहाँ पे आपने देखा -50 आया और यहाँ पर आपके पास 9 आ गया। उसके बाद आपको पता है कि सारे का एलसीएम आपके पास 3 आ जाएगा, तो जब आपके पास 3 एलसीएम आया तो 3 से आपने इधर भी मल्टीप्लाई करना है, 3 से आपने इधर भी मल्टीप्लाई करना है, और 3 से आपने इधर भी मल्टीप्लाई करना है। सो 9 3 27, 50 3 150, यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये आ जाएगा 1 1 8 3। इन सारों को आप प्लस कर लें, सो यू गेट -1 360, -1 360 डिवाइडेड बाय 3। सो ये 3 पे कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। अगर आप पॉइंट्स में आंसर देना चाहेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -453.3, ठीक है। लेट्स हैव अ ओवरलुक ऑफ दिस क्वेश्चन वंस अगेन। जब भी आपके पास उसने दिया होगा कि रीजन आपके पास ट्रायंगुलर है और 3 वर्टिसेस दिए होंगे, आपने उन वर्टिसेस की हेल्प से ट्रायंगल ड्रॉ कर लेनी है। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद आपने देखना है कि कौन सी वाली लाइन आपको स्लोप दे रही है। स्लोप कहते हैं जो आपके पास लाइन थोड़ी सी इनक्लाइंड होती है, यानी कि जहां ढलवान आ रही होती है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास इन 2 पॉइंट से आपको स्लोप मिल रही है, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये है। पहले अलग से निकालना चाहते हैं अलग से निकाल लें, नहीं तो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन में आप स्लोप की जगह पर y2 - y1 over x2 - x1 लिखेंगे और इन्हीं पॉइंट्स को यूज करते हुए आपने x2 और x1 जो है वो चूज करना है। जब आप स्लोप निकाल लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की, ठीक है। तो x की एक लिमिट जो है वो आपको यहां से मिलेगी, दूसरी लिमिट आप इस पॉइंट को यूज करते हुए लेंगे, और y की आपके पास एक लिमिट ये आएगी और दूसरी लिमिट ये आएगी, ठीक है। तो यहां से आपके पास लिमिट्स आ जाएंगी। लिमिट आने के बाद आपको पता है कि फंक्शन को आपने इंटीग्रेट कैसे करना है। जब आपने लिमिट्स पहले x की लगाई है तो आपने पहले x के लिहाज से इंटीग्रेट करना है, फिर आपने y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। तो जब आपने x के लिहाज से इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद जब आपने लिमिट्स पुट कर दी, तो लिमिट पुट करने के बाद आपने उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है जिसके लिए मैं आपसे माजत ख्वाऊं। यहाँ पे जब आपने एलसीएम लिया तो 2 आपके पास एलसीएम आया, तो जब आपके पास 2 एलसीएम आया तो 2 एलसीएम आपने इस और इस टर्म का लिया, तो 2 से आपने इधर और इधर मल्टीप्लाई करना था, सो ये आपके पास 4 बन जाना था, ठीक है। तो यहाँ पर गलती से 2 ही लिखा रह गया, यहाँ पर 4 आना था। 4 में से आप वाई निकालेंगे यू गेट 3 वाई, 3 वाई को आप वाई से मल्टीप्लाई करेंगे 3 वाई स्क्वेयर। बाकी नेक्स्ट आपने कैलकुलेशन जो है वो सारी देख ली। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 है, उसने आपको दिया है एक्स वाई का स्क्वायर। द ट्रायंगुलर रीजन विद वर्टिसेस 0 0, 3 1 एंड -2 1। तो आइए पहले इन वर्टिसेस से हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक वर्टिस आपको दिया हुआ है 0 0, ठीक है। तो 0 0 वाला पॉइंट तो आपका ओरिजिन होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट उसने दिया है 3 1, यानी कि x 3 है और y 1 है। तो ये 1 2 3 x हो गया और ये आपके पास y 1 है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जहां आपके पास y 1 है और x 3 है। सेकेंड पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट आपको जो दिया वो -2 1 है। तो x आपके पास -2 है और y आपके पास 1 है। तो ये पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये ट्राइंगल बन गई। अब आप गौर करो तो आपके पास यहाँ पर दो स्लोप्स बन रही हैं, यानी कि एक ये लाइन आपके पास थोड़ी सी इंक्लाइंड आ रही है और एक ये लाइन आपके पास थोड़ी सी इंक्लाइंड आ रही है। इट मीन्स आपने दो दफा स्लोप निकालनी है। पहले मैं इन पॉइंट्स को यूज करते हुए निकालती हूँ। तो आप लिखोगे y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। यही फॉर्मूला है ना इक्वेशन ऑफ लाइन का। अब देखो मैंने इसमें वैल्यूज कैसे पुट की हैं। ये पॉइंट आपका x1, ये पॉइंट आपका y1, दिस पॉइंट इज योर x2 एंड दिस पॉइंट इज योर y2। ठीक है, ये 0 0 है, x1 y1 0 0, x2 y2 आपके पास 3 1 है। अब जब यहां पुट करोगे y माइनस वाई वन तो आपके पास जीरो है, ठीक है। इसीलिए यहां पर मैंने ये नहीं लिखा क्योंकि ये जीरो है, वाई में से जीरो को निकालना है तो आपके पास वाई ही बचना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू वाई टू, बच्चों वाई टू आपके पास वन है, माइनस वाई वन। तो वाई टू माइनस वाई वन करेंगे तो वन माइनस जीरो आना है, तो जीरो को यहां लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू आपके पास थ्री है और एक्स वन आपके पास जीरो है, तो इसलिए यहां पर भी आपको जीरो लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें। और यहां पर x माइनस एक्स वन, तो x वैसे ही आएगा, x1 आपके पास जीरो है, ठीक है। तो x में से जीरो निकालेंगे यू गेट x, यहां पर y में से जीरो निकालेंगे यू गेट y, वन में से जीरो निकालना था तो आपके पास वन बचना था, थ्री में से जीरो निकालना था तो आपके पास थ्री बचना था, ठीक है। इसीलिए आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने 1/3 लिखा था, ठीक है। मैंने जीरो नहीं लिखा था क्योंकि मुझे पता है कि 1 में से मैंने जीरो निकालना है तो भी 1 आना है और 3 में से मैंने जीरो निकालना है तो भी 3 आना है। तो अब आपको समझ आ गई यहाँ 1/3 कैसे लिखा है, इसको सॉल्व करके मैंने 1/3 कैसे लिखा है। आपके पास वाई टू वन था, वाई वन जीरो था, तो 1 - 0 करेंगे यू गेट 1। एक्स टू आपके पास 3 है और एक्स वन 0 है, तो 3 - 0 करेंगे यू गेट 3, ठीक है। अब ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास यहां से आएगा 3y इज इक्वल्स टू x। समझ आ गई, एक तो आपके पास x की लिमिट ये आ गई, ठीक है। अब आपके पास एक स्लोप यहाँ पे भी बन रही है, इट मींस कि आपने यहां से भी इक्वेशन ऑफ लाइन को यूज करना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब यहां पर अगेन स्टूडेंट देखें, एक्स वन जीरो, वाई वन भी जीरो, एक्स टू आपके पास है माइनस टू और y2 आपके पास है 1। तो जब y माइनस वाई वन करूंगी तो y1 तो मेरे पास 0 है, ठीक है। y2 माइनस वाई वन करूंगी तो यहां पर y1 भी 0 है और यहां पर आपके पास x1 भी 0 है, ठीक है। यहां पर भी x1 आपके पास 0 है, आपके पास यहां पे सिर्फ y बचेगा इज इक्वल्स टू y2, आप देख सकते हैं आपके पास 1 है, और x2 अगर आप देखो तो आपके पास माइनस टू है, ठीक है। और यहां पर आपके पास x बच जाएगा। अब ये माइनस टू यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो x की लिमिट अब आपके पास जाएगी, एक माइनस टू वाई आई है और एक थ्री वाई आई है, तो लिमिट हमेशा छोटी से बड़ी की तरफ जाती है, ठीक है। तो माइनस टू वाई से लिमिट आपकी जाएगी थ्री वाई तक। किसकी लिमिट्स आई है, x की लिमिट्स आई है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने लिमिट लगाई है माइनस टू वाई से थ्री वाई। फंक्शन आपके पास दिया हुआ था एक्स वाई का स्क्वायर, ये लिमिट्स आपने क्योंकि x की पुट की है तो पहले आपने इसको x के लिहाज से इंटीग्रेट करना है, फिर आपने इसको y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है,
उसके बाद आप देखें मैंने y की लिमिट कैसे लगाई है। एक आपने इस लाइन को सॉल्व किया, आपके पास x की लिमिट आ गई, फिर आपने इस लाइन को सॉल्व किया, आपके पास x की दूसरी लिमिट भी आ गई। अब असूली तौर पर मुझे y की लिमिट तो इस पॉइंट को लेके करनी चाहिए थी, राइट? लेकिन मैंने ये पॉइंट यूज ना किया, क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर भी आपके पास 1 है और यहाँ पर भी आपके पास 1 है, तो याद रखें कि कभी भी अपर और लोअर लिमिट सेम नहीं होती, एटलीस्ट साइन का डिफरेंस होता है। अगर वो +1 थी तो एटलीस्ट ये -1 होती। लिमिट कभी भी फ्रॉम 1 to 1 नहीं होगी, क्योंकि अगर लिमिट 1 to 1 है तो आपके उस इंटेग्रल का आंसर 0 है। लिमिट कभी भी 2 to 2 नहीं हो सकती, लिमिट कभी भी 4/2 से 4/2 नहीं हो सकती। कभी भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपकी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर अपर और लोअर लिमिट आपके पास सेम होगी तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद हम लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही सेम है तो आपके तो इंटेग्रल का कबाड़ा हो गया है ना, आंसर तो आपके पास 0 आ गया। तो क्या कभी एरिया अंडर द कर्व 0 होता है? नहीं होता, ठीक है। इंटीग्रेशन हमें क्या बता रही है, एरिया अंडर द कर्व बता रही है ना। तो क्या किसी कर्व का एरिया, किसी भी फिगर का एरिया आपके पास 0 होता है? कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है। तो जब आपने y की लिमिट्स लेनी है तो आपने ये पॉइंट यूज करना है, यहाँ y 0 है और यहाँ y आपके पास 1 है, तो y की लिमिट आपके पास जाएगी फ्रॉम 0 to 1। इंटीग्रेट करना अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जब आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हो तो यहाँ पर y स्क्वायर आपके पास कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेट आपने सिर्फ x को करना है। और x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है तो आपको पता है आप पावर में एक ऐड करोगे और उसी से आप डिवाइड कर दोगे। अब ये 2 मैंने साइड पे कर लिया, आपने यहाँ पर x की जगह पर एक दफा अपर लिमिट लगानी है ऊपर वाला स्क्वायर वैसे ही, फिर माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट लगानी है ऊपर वाला स्क्वायर वैसे ही। टेलिंग यू अगेन डोंट डू दिस के माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया। पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, माइनस का जब आप स्क्वायर लेते हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4 है और y का स्क्वायर लोगे तो ये आपके पास y स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 है और आप y का स्क्वायर लेंगे तो 9y स्क्वायर हो जाएगा। 9y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर करेंगे, यू गेट 5y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, 9y स्क्वायर में से 4y स्क्वायर माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 5y स्क्वायर, ठीक है। y स्क्वायर को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, y की पावर 4, यहाँ 5 है और नीचे 2 है, तो 5/2 आपको पता है कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा। तो मैंने 5/2 को इंटीग्रल से बाहर निकाल दिया और ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर मैंने y की पावर 4 कर दिया। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो पावर में आप एक ऐड करोगे, उसी से डिवाइड, क्यों? क्योंकि हमने पावर को छोड़ के देखना है, y का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, तो यहाँ आपने पावर में एक ऐड करना है, उसी से आपने डिवाइड कर देना है। 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा y की पावर 5/2। तो यहाँ पर y की जगह पर एक दफा आपने अपर लिमिट लगानी है, ऊपर पावर 5, नीचे वाला 2 वैसे ही, फिर माइनस y की जगह पर एक दफा लोअर लिमिट लगानी है, ऊपर पावर 5, नीचे वाला 2 वैसे ही। तो 1 की पावर 5 लेंगे, यू अगेन गेट 1 1/2 आ जाएगा। 0 की पावर 5 लेंगे, 0 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0, तो ये वाला सारा आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में उसने आपको फंक्शन दिया y+1, ठीक है। उसने कहा है कि रीजन जो है वो आपके पास बिटवीन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन x एंड y इज इक्वल टू कॉस x। अब देखो उसने लिमिट दे दी y की लिमिट क्या दी है उसने, साइन x से लेकर कॉस x तक, और x की लिमिट भी उसने खुद ही दे दी है 0 से π/4 तक, तो अब तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो y की लिमिट आपके पास है साइन x से लेकर कॉस x तक, और x की लिमिट है आपके पास 0 से π/4 तक, इसको आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। जब आपने यहाँ पर y की लिमिट्स लगाई हैं पहले, तो आपने फंक्शन को इंटीग्रेट भी y के लिहाज से करना है, और अगर ऐसे आपको समझ नहीं आती तो आपको बताया कि आइट्रेटेड इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या कहती है, कि अगर यहाँ पर आपके पास x का फंक्शन आ रहा है, इट मींस यू हैव टू इंटीग्रेट इट फर्स्टली विद रिस्पेक्ट टू y, और अगर y का फंक्शन आ रहा हो तो फिर आप उसको इंटीग्रेट करते हैं फर्स्टली विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आइट्रेटेड इंटीग्रल की डेफिनेशन भी आप अपने जहन में रखें। एनीवेज बाय डेफिनेशन ऑफ आइट्रेटेड इंटीग्रल, ये आपके पास क्योंकि x का फंक्शन आ रहा है तो आपने इसको इंटीग्रेट पहले करना है y के रिस्पेक्ट से, तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा दिए हैं कि पहले मैंने इसको y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, देन विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है।
उसके बाद आपको पता है कि इंटीग्रेट आपने वाई को भी करना है, इंटीग्रेट आपने वन को भी करना है। तो यहां पे मैंने लिख दिया इंटीग्रेट आपने वाई को भी करना है, इंटीग्रेट आपने वन को भी करना है। अब वाई आपके पास, वाई का देखो आगे डेरिवेटिव पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, तो आपने यहाँ पावर में एक ऐड करना है और उसी से आपने डिवाइड कर देना है, और लिमिट आपके पास जा रही है साइन एक्स से कॉस एक्स पे। ठीक है, अब देखो वन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वन से आप कह लो डी वाई को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास वापस डी वाई ही आ जाना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव और इंटेग्रल एक दूसरे के एंटी होते हैं, डेरिवेटिव ने इस इंटेग्रल को कैंसिल कर देना है, आपके पास यहाँ पर सिर्फ वाई आ जाएगा और लिमिट आपके पास जाएगी साइन एक्स से कॉस एक्स तक। ठीक है, अब वाई की जगह पर एक दफा अपर लिमिट लगाई, ऊपर स्क्वेयर वैसे ही, नीचे वाला टू वैसे ही, फिर माइनस वाई की जगह पर लोअर लिमिट लगाई, ऊपर स्क्वेयर वैसे ही और नीचे वाला टू भी वैसे ही। यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो लिखेंगे वाई की जगह पर कॉस एक्स और ऊपर स्क्वेयर लगाएंगे तो वो यहाँ लगा देंगे, ये गलत है। स्क्वेयर अगर आपने लगाना है तो आप ऐसे लिखोगे कॉस एक्स का स्क्वेयर। स्क्वेयर जब आप इसको ब्रैकेट हटा के लिखते हो तो स्क्वेयर आपका हमेशा कॉस के ऊपर आता है, एंगल के ऊपर स्क्वेयर नहीं लगाना। ठीक है, तो ये आपने ऐसे लिखना है कि कॉस स्क्वेयर एक्स ओवर टू माइनस साइन स्क्वेयर एक्स ओवर टू। यहाँ पे जब आप वाई की जगह पर अपर लिमिट लगाओगे आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स, लोअर लिमिट लगाओगे आपके पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स। अब टू आपके पास इसके नीचे भी है, टू इसके नीचे भी है, तो एक ही दफा आप टू लिख लें, आपके पास है कॉस स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर, और याद रखें कि कॉस स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर आपके पास कॉस टू एक्स के बराबर होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मतलब आपको मैं इंटेग्रल इस पे भी अलग कर लूं, 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 इट्स नॉट पॉसिबल। आप फंक्शन को सिर्फ उसी वक्त इंटीग्रेट कर सकते हो जब पावर को छोड़ के उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। देखें, अगर आप इंटीग्रेट करने लगे हैं कॉस स्क्वेयर एक्स ओवर टू को, ठीक है, तो पावर को छोड़ के देखो जरा क्या इसका डेरिवेटिव आपके पास आगे मौजूद है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, क्या आपको यहां कहीं माइनस साइन नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। तो आप जब तक पावर को छोड़ के आपके फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद नहीं है आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे पास माइनस साइन पड़ा है तो हम इसको एक इंटेग्रल में लिख लें तो कॉस का आगे डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा। तो बच्चों कॉस स्क्वेयर का अगर आप डेरिवेटिव लेते हो तो आप कहते हो कि पावर को छोड़ के ना, पावर को छोड़ के इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। ठीक है, और आप कहते हो कि कॉस का डेरिवेटिव आपके पास माइनस साइन है। ठीक है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इसको और इसको साथ कर लें तो इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो गया, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये जो इसका डेरिवेटिव होता है ये इसके साथ बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि आपके पास यहां पर साइन एक्स जो है वो इन टर्म्स में से माइनस हो रहा है। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसे लिखा होता ना, ठीक है, तो मैं कह देती कि चलो भाई मैं इसके साथ ये वाली टर्म ले लेती हूँ। मतलब अगर ये सारा कुछ ना होता, आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स ओवर टू और आगे ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स होता, तो मैं इसको इसके साथ ले लेती, लेकिन अब आप इसको इसके साथ नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स जो है वो बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जबकि यहाँ पर डेरिवेटिव हमेशा आगे मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी याद रखनी है कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस टू एक्स के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के नहीं, कॉस टू एक्स के बराबर होता है। ठीक है, नीचे वाला टू वैसे ही, ये आपके पास है कॉस एक्स और ये आपके पास है साइन एक्स। अब आप इंटीग्रल जो है वो अलग अलग कर सकते हैं, इंटीग्रेट आपने इसको भी करना है, इंटीग्रेट आपने इसको भी करना है और इंटीग्रेट आपने इसको भी करना है। ठीक है, टू कांस्टेंट है उसको इंटीग्रल से बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेट आपने करना है कॉस टू एक्स को। कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस। ठीक है, उलट चलता है। उलट कैसे चलता है, मतलब साइन का जब आप डेरिवेटिव लेते हो साइन का डेरिवेटिव आपके पास होता है कॉस। ठीक है, और कॉस का डेरिवेटिव आपके पास होता है
माइनस साइन, ठीक है। जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो बच्चों इंटीग्रेट हम कैसे करते हैं कि ये dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा cos x इज इक्वल्स टू माइनस साइन x dx, ठीक है। और यहां पर आपके पास रह गया d। अब आपने इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट आपने इसको भी करना है, इंटीग्रेट आपने इसको भी करना है। तो आप देख सकते हो कि साइन की इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, ये देखो ये डेरिवेटिव इंटीग्रल एक दूसरे के एंटी है, कैंसिल हो जाएगा। तो साइन की इंटीग्रेशन का आंसर आपके पास आएगा माइनस कॉस। माइनस कैसे आएगा, ये सारे का आपने आंसर देखना है। तो ये माइनस यहाँ पर फालतू पड़ा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाए। तो साइन की इंटीग्रेशन का आंसर आएगा कॉस। बिल्कुल इसी तरह ये डीएक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब इधर लाओगे आप मल्टीप्लाई करोगे और यहां पर आपके पास रह जाएगा डी साइन एक्स, ठीक है। अब आपने इंटीग्रेट करना है इसको भी और इंटीग्रेट करना है इसको भी। ऑब्वियसली अगर मैं एक साइड पे इंटीग्रल का साइन लगा रही हूँ तो दूसरी साइड पे भी लगाऊंगी, यहाँ डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि कॉस की इंटीग्रेशन आएगी साइन। तो अगर साइन का डेरिवेटिव कॉस है तो कॉस की इंटीग्रेशन आपके पास है साइन। इसी तरह अगर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस है, ठीक है। तो साइन की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन है साइन, साइन की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4। एक्स की जगह पर एक दफा पाई बाय 4 लगाना है, एक दफा एक्स की जगह पर 0 लगाना है, ठीक है। साइन अपर लिमिट लगाई, माइनस साइन लोअर लिमिट लगाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस एक दफा आपने अपर लिमिट लगाई, फिर माइनस कॉस एक दफा आपने लोअर लिमिट लगाई। कॉस 0 आपके पास 1 होता है, कॉस पाई बाय 4 लेंगे तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, साइन 0 आपके पास 0 हो जाता है, साइन पाई बाय 4 लेंगे तो आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब इधर आ जाए, अब इसको मैं इंटीग्रेट सिर्फ उसी वक्त कर सकती हूँ जब मेरे पास आगे एंगल का भी डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक है। तो 2x का डेरिवेटिव आपको पता है 2 होता है, ठीक है। 2x का डेरिवेटिव आपके पास 2 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 से डिवाइड भी कर दें। तो ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो एक 2 पहले से बाहर मौजूद है, वो वाला 2 और जिस 2 से मैंने डिवाइड किया वो वाला 2 मिलके आपके पास 4 बन जाएगा। अब देखो एंगल का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन, जो एंगल कॉस के साथ है वही एंगल साइन के साथ आएगा और लिमिट आपके पास चली जाएगी फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4। अब लिमिट लगा दो, एक दफा एक्स की जगह पर पाई बाय 4 लगाना है, एक दफा एक्स की जगह पर जब 0 लगाओगे, 2 इंटू 0 करोगे, 0 साइन 0 0 होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ आपको लोअर लिमिट जो है वो दिखाई नहीं दे रही। अब ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है, तो ये आपके पास पाई बाय 2 बन जाएगा। साइन पाई बाय 2 लेंगे वो आपके पास 1 होता है, तो आपके पास यहाँ पे रह जाएगा 1 ओवर 4। ये 1 प्लस 1 किया आपके पास आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 2, आगे लिखा हुआ है माइनस 1, ठीक है। अब ये 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 की जगह मैंने स्क्वायर रूट 2 कैसे लिखा है ये भी देख लें, आपके पास लिखा हुआ है 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। जब ऊपर नीचे आपके पास नंबर सेम हो ना और किसी एक पे अंडर रूट आ रहा हो तो हम उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। अंडर रूट 2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, अंडर रूट 2 से हमने अंडर रूट 2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, अंडर रूट 2 से हमने डिवाइड भी कर दिया। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, यानी कि ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया तो 2 अंडर रूट 2, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 आपके पास बन जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वेयर। स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 फिर इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा, ठीक है। तो याद रखो कि जब भी आपके पास ऊपर नीचे सेम हो और एक पे अगर नीचे वाले पे स्क्वेयर रूट आ रहा है ना तो सिंप्लीफाई करने के बाद स्क्वेयर रूट आपके पास ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला खत्म हो जाएगा, स्क्वेयर रूट ऊपर आ जाएगा। और अगर स्क्वेयर रूट आपके पास ऊपर हो, इसको भी देखिए, अगर आपके पास स्क्वेयर रूट ऊपर हो तब भी आपने स्क्वेयर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, स्क्वेयर रूट 2 से डिवाइड भी कर देना है।
तो स्केयर रूट टू आपके पास बन जाएगा स्केयर रूट टू का स्केयर, और यहां पर आपके पास आ जाएगा टू स्केयर रूट टू, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास वन बचेगा, नीचे आपके पास स्केयर रूट टू बचेगा। ठीक है, तो देखो जब ऊपर स्केयर रूट होगा अगर, तो फिर आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद स्केयर रूट नीचे आ जाएगा, और अगर नीचे स्केयर रूट होगा तो सिंप्लीफाई करने के बाद स्केयर रूट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर स्केयर रूट होगा तो सिंप्लीफाई करने के बाद स्केयर रूट नीचे आ जाएगा, तो फिर ऊपर क्या आ जाएगा, वन, और अगर स्केयर रूट नीचे होगा तो सिंप्लीफाई करने के बाद स्केयर रूट ऊपर आ जाएगा, तो फिर नीचे क्या आ जाएगा, वन। ठीक है, उसके बाद ये वन ओवर फोर माइनस वन करें पहले, तो इसका एलसीएम आप देख सकते हैं, आपके पास फोर आएगा, फोर से जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा, और जब फोर से आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर वन जार फोर हो जाएगा, फोर में से वन निकालेंगे यू गेट माइनस थ्री ओवर फोर प्लस स्क्वेयर रूट टू, तो थ्री को फोर पे डिवाइड कर लें कैलकुलेटर पे, स्क्वेयर रूट टू ले लें, उनको प्लस माइनस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके पास, एक्स की पावर थ्री कॉस एक्स वाई, द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल्स टू टू। ठीक है, तो देखिए उसने कहा द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू जीरो, तो वाई की तो आपको लिमिट दी हुई है जीरो से लेकर एक्स स्क्वायर तक, फंक्शन आपको दिया हुआ है एक्स की पावर थ्री कॉस एक्स वाई, ठीक है, ये पहले मैंने y की लिमिट्स लगाई है, तो पहले आपने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, फिर आपने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और x की लिमिट उसने आपको एक ही दी हुई है टू, तो फिर दूसरी लिमिट आप क्या लेंगे जीरो। याद रखें कि किसी भी फंक्शन की अगर उसने सिर्फ एक लिमिट दी हुई है तो दूसरी लिमिट आपके पास क्या होगी जीरो होगी। ठीक है, अब जहां तक मैं सोच रही हूं आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने पहले लिमिट y की लगा दी और मैं कह रही हूँ उसको y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है, मैं पहले लिमिट x की क्यों नहीं लगा रही मैं पहले अगर लिमिट x की लगा लूं तो क्या मैं इसको x के लिहाज से पहले इंटीग्रेट कर सकती हूँ? द आंसर इज नो। क्यों मैं इसको x के लिहाज से पहले इंटीग्रेट नहीं कर सकती, तो आइए ये भी देखते हैं। लें जी, अगर आप पहले लिमिट लगा लेते हैं एक्स की, ठीक है, बाहर जो भी लिमिट है आपके पास वाई की वो तो वैसे ही आ जाएंगे। फंक्शन आपके पास दिया हुआ है एक्स की पावर थ्री कॉस एक्स वाई, ठीक है, अब आपने लिमिट पहले एक्स की लगा ली, इसका मतलब है आपने इसको पहले इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो पहले तो देखें ये दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आ गई है, डेरिवेटिव तो में तो हमने पढ़ लिया कि दो फंक्शंस की प्रोडक्ट हो तो हम प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शंस की आपके पास प्रोडक्ट आ जाए तो आप क्या करेंगे? फिर बच्चों आपको बाय पार्ट्स की तरफ जाना पड़ता है, बाय पार्ट्स के थ्रू अपने इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट है। सेकंड थिंग ये कि पहली बात तो ये है कि ये आपके पास एक फंक्शन है, ये आपके पास दूसरा फंक्शन है, इसको आप ऐसे इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, यहां पर आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि आपके पास ये कॉस एक्स वाई है, ठीक है, अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना चाहते हो तो आगे एंगल का डेरिवेटिव मौजूद होना जरूरी है, आगे एंगल का डेरिवेटिव मौजूद होना जरूरी है, तो एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? यही एंगल है ना एक्स वाई, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? देखो बच्चों, जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको डेरिवेटिव भी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही, ठीक है,
एंगल का डेरिवेटिव आपके पास एक्स के लिहाज से आगे मौजूद होना चाहिए, फिर ही आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जब आप एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हो, सॉरी डेरिवेटिव ले रहे हो, तो यहाँ पर वाई कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपने सिर्फ एक्स का लेना है। और आपको पता है कि एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से आपके पास वन हो जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचता है, वाई। क्या आपको यहाँ पर इसका एंगल का आगे डेरिवेटिव कहीं नजर आ रहा है, वाई? नहीं आ रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि वाई नजर नहीं आ रहा, तो हम वाई से खुद मल्टीप्लाई और वाई से डिवाइड कर ले। तो बच्चों याद रखें कि वेरिएबल से आप कभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते, वेरिएबल से कभी भी आप खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? ले जी, आपके पास आ गया जी कॉस एक्स वाई, ठीक है, आपने देख लिया कि जी इसका डेरिवेटिव वाई है, यहाँ आपने वाई से मल्टीप्लाई भी कर दिया, वाई से आपने डिवाइड भी कर दिया, और इसको इंटीग्रेट अब आप करने लगे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। साथ आपके पास लिखा हुआ एक्स की पावर थ्री भी, ठीक है। अब देखो इसका तो आगे डेरिवेटिव मौजूद है, अब मैं इसको उठा के इंटीग्रल से बाहर तो नहीं फेंक सकती, ठीक है। अगर आपके पास ये साथ मौजूद ना होता फिर सोचा जा सकता है, क्योंकि जब आप x के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हो तो वहां पर आपके पास y तो है, कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, तो फिर आप इसको इंटीग्रल से बाहर किक आउट कर सकते हो। लेकिन बात फिर वही है कि यहाँ पर आपके पास क्या है, x की पावर 3 आ रही है, तो इसका तो मैं आगे डेरिवेटिव बना लूंगी, ये जो एक्स्ट्रा टर्म पड़ी है इसका क्या करूं, इसको भी मैं इंटीग्रल से बाहर नहीं निकाल सकती। क्यों नहीं निकाल सकती? क्योंकि मैं एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट कर रही हूँ, और एक्स वाली टर्म को मैं उठा के इंटीग्रल से बाहर निकाल दूं, क्या ऐसा मैं कर सकती हूँ कि मैं इंटीग्रल को इंटीग्रेट एक्स के लिहाज से कर रही हूँ और एक्स वाली वेरिएबल को मैं उठाकर इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। वाई वाला तो चलो, जब मैं एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट कर रही हूँ, मेरे पास कॉन्स्टेंट है, इसको तो मैं इंटीग्रल से बाहर निकाल दूंगी, इसका मैं क्या करूं? तो आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते जब तक आप यहाँ पर बाई पार्ट्स नहीं लगाएंगे। तो इतने डिफिकल्ट वे में जाने की बजाय आप इसको पहले y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लें। जब आप y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो y के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करना आसान है। किस तरह से, आइए देखते हैं। इंटीग्रेट मैं कर रही हूँ y के लिहाज से, जब मैं y के लिहाज से इंटीग्रेट कर रही हूँ ना, तो स्टूडेंट्स मेरे पास x जो है वो ऐसा कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, ठीक है। देखें जी, बहुत ध्यान से आपने क्वेश्चन देखना है, एक मेरे पास ये हिस्सा है, एक मेरे पास ये हिस्सा है। इस वाले में तो क्योंकि y शामिल है, ठीक है, ये cos का एंगल है, यहां से मैं ये नहीं कर सकती कि मैं y के लिहाज से इंटीग्रेट कर रही हूं तो मैं x को उठाकर बाहर निकाल दूं। एंगल में से मैं कोई चीज उठाकर बाहर नहीं निकाल सकती, ठीक है, ठीक हो गया ना। यहाँ पर y शामिल है, इसका मतलब है मैंने इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी इंटीग्रेट करना है इसको मैंने विद रिस्पेक्ट टू y। जब मैंने y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है तो स्टूडेंट x तो मेरे पास कांस्टेंट है, ठीक है, जब y के लिहाज से इंटीग्रेट कर रही हूँ x कांस्टेंट है, x को तो मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकती हूँ। लेकिन अब यहां पर आपने ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, इंटीग्रेट आप किसको करने जा रहे हो, कॉस एक्स वाई को। मैं फिर आपसे वही बात करूंगी कि जब आप कॉस एक्स वाई को इंटीग्रेट करने जा रहे हो तो इसको आप उस वक्त तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते जब तक कि इसके एंगल का आगे आपके पास डेरिवेटिव मौजूद ना हो, ठीक है। तो आप देखें एंगल का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, आप क्योंकि इंटीग्रेट वाई के लिहाज से कर रहे हैं तो डेरिवेटिव भी आपके पास वाई के लिहाज से आगे मौजूद होना चाहिए। जब आप वाई के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हो तो यहाँ पर एक्स कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, वाई का डेरिवेटिव वाई के लिहाज से वन हो जाएगा। इसका मतलब है एक्स वाई का डेरिवेटिव वाई के लिहाज से एक्स है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव जो है वो मेरे पास आगे मौजूद होना चाहिए, यानी कि मेरे पास एक्स आगे मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स की तीन पावर्स हैं आपके पास, तो दो मैंने बाहर निकाल दी, एक को मैंने अंदर ही रहने दिया। क्यों अंदर रहने दिया? ये जो एक्स है ये इसके डेरिवेटिव के तौर पर यहां पर काम करेगा, कॉस एक्स वाई, वैसे ही इसका आगे जब तक डेरिवेटिव मौजूद नहीं होगा मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकती। और इसका डेरिवेटिव वाई के लिहाज से आपने देखा है आपके पास एक्स आया,
तो मैंने ब्रेक कर लिया, तीन में से दो मैंने बाहर निकाल दिए, एक मैंने अंदर ले आई। एक और आसानी आपको बता दूं, अगर आपको नहीं समझ आई कि भाई ये क्या बात है, आप यूं ही करना चाहते हैं कि x कांस्टेंट है, x की तीनों पावर्स आपके पास बाहर चली जाए, ठीक है, ठीक हो गया। तो फिर जब आपने तीनों बाहर निकाल दी तो यहां पर आपके पास फिर x नहीं आएगा, ठीक है। अब आपने इंटीग्रेट करना है इसको, इसको आप उस वक्त तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते जब तक इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद ना हो, ठीक है। अब क्योंकि इंटीग्रेट y के लिहाज से कर रहे हैं तो डेरिवेटिव भी y के लिहाज से आगे मौजूद होना चाहिए। अब y के लिहाज से डेरिवेटिव आपने देख लिया, आपके पास x आता है, इट मींस यहाँ पर x की कमी है। तो स्टूडेंट्स आप x से मल्टीप्लाई भी कर दें और x से आप डिवाइड भी कर दें, ठीक है। अब देखो इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद हो गया, ये वाला x फालतू आ रहा है क्योंकि अब हम इंटीग्रेट y के लिहाज से कर रहे हैं तो x तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, तो ये नीचे वाले x को आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें। तो जब नीचे वाले x को आप इंटीग्रेशन से बाहर निकालोगे तो बाहर पहले से x की पावर तीन है, एक आपने डिवाइड में बाहर निकाल दी तो ये कैंसिल होके आपके पास x का स्क्वायर ही आना, ठीक है। तो अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से रजामंद है तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले, अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से रजामंद नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसे कर लेंगे तीन पावर्स हैं, एक आपके पास बतौर इसके डेरिवेटिव इस्तेमाल हो जाएगी तो आप बाहर दो निकाल लो। अब आप देख लें जैसे आपको इजी लगता है, ठीक है। और ये बात भी आई थिंक सो आपको क्लियर हो गई होगी कि मैंने इसको y के रिस्पेक्ट से पहले क्यों इंटीग्रेट किया, x के रिस्पेक्ट से पहले क्यों नहीं इंटीग्रेट किया। x की रिस्पेक्ट से स्टूडेंट्स मैं आपको फिर बता देती हूँ, x की रिस्पेक्ट से हमने इसलिए पहले इंटीग्रेट नहीं किया क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास दो फंक्शंस हैं। अगर मैं y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रही हूँ तो मुझे सहूलत सिर्फ इतनी है कि y सिर्फ एक में शामिल है, दूसरा एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा और इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर आप x के लिहाज से इंटीग्रेट करोगे तो x इसमें भी शामिल है, x इसमें भी शामिल है, फिर आप किसी को भी बाहर नहीं ले जा सकते, फिर आपके पास दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आ जाएगी और जब भी इंटीग्रल के अंदर दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आ जाए फिर वहां पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हो, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं पहले उस वेरिएबल के लिहाज से इंटीग्रेट करें जो सिर्फ किसी एक फंक्शन में पड़ा हो, दोनों में ना हो। तो मेरे पास वाई था ऐसा वेरिएबल जो सिर्फ एक फंक्शन में पड़ा है, दोनों में नहीं है, इसलिए मैंने पहले इसको वाई के लिहाज से इंटीग्रेट किया। होप सो यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट, सो लेट्स मूव ऑनवर्ड। इसको मैंने थोड़ी सी तरतीब दे ली कि cos x y वैसे ही ये जो है इसके डेरिवेटिव के तौर पे काम कर रहा है, इंटीग्रेट आपने करना है पहले विद रिस्पेक्ट टू y। अब जब इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो टेंशन कोई नहीं है, जब एंगल का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो टेंशन कोई नहीं, cos को बस आप इंटीग्रेट कर लें। cos की इंटीग्रेशन आपके पास होती है साइन, और जो एंगल cos के साथ है वही एंगल साइन के साथ आएगा। अब आपने ये नहीं कहना कि ये वाला x कहाँ गया, ये इसके डेरिवेटिव के तौर पे काम कर रहा है, जब तक इसका डेरिवेटिव एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद नहीं होगा मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकती। अगर एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो गया तो बस ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट कर ले। तो cos की इंटीग्रेशन साइन, जो एंगल cos के साथ है वही एंगल साइन के साथ आएगा, लिमिट गोज फ्रॉम जीरो टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, जीरो से एक्स स्क्वायर तक लिमिट है। अब आपने क्योंकि y के लिहाज से इंटीग्रेट किया तो y की जगह पर आपने एक दफा अपर लिमिट रखनी है, एक दफा आपने लोअर लिमिट रखनी है। यहाँ पे जब आप एक्स स्क्वायर रखोगी, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास साइन x की पावर 3 आ जाएगा, माइनस जब आप लोअर लिमिट लगाओगे तो साइन x y की जगह पर 0 लगाओगे, x को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 साइन 0 0, तो लोअर लिमिट का आंसर 0 हो जाना है। इसलिए मैंने यहाँ पर लोअर लिमिट आपको दिखाई नहीं दे रही, मैंने वो इसलिए नहीं लगाई, ठीक है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। आपके पास आ जाएगा साइन एक्स की पावर 3 और ये एक्स का स्क्वायर है डीएक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि अब मैंने इसको इंटीग्रेट करना है तो ये भी दो फंक्शन आ रहे हैं, पहला दूसरा, ठीक है, इसमें भी एक्स शामिल है, इसमें भी एक्स शामिल है। अब यहाँ पे भी मुझे फिर बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने जिस वेरिएबल के लिहाज से इंटीग्रेट करना है वो दोनों फंक्शन में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि अगर आपके पास दोनों फंक्शंस में एक ही वेरिएबल इंक्लूड है और उसी के लिहाज से आप इंटीग्रेट कर रहे हो सकता है कि आपके पास कोई डेरिवेटिव बनने का चक्कर हो, ठीक है। क्या मतलब है,
मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं उस वक्त तक इंटीग्रेट नहीं कर सकती जब तक कि उसके एंगल का मेरे पास आगे डेरिवेटिव मौजूद ना हो। तो एक्स की पावर 3 का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास वो आ जाता है, पावर पहले पावर में से एक माइनस कर दिया, ऐसे ही लेते हैं ना डेरिवेटिव। एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव आपके पास है 3x का स्क्वायर। इसको आप उस वक्त तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते जब तक कि एक्स की पावर 3 का आगे यहाँ डेरिवेटिव मौजूद ना हो। तो देखें स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव 3x² होना चाहिए आगे, तो x² आपके पास मौजूद है, तो मैंने इसको पहले लिखा, x² को मैंने बाद में लिखा, 3 की कमी थी तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, 3 से मैंने डिवाइड भी कर दिया। अब देखो यहाँ आपको प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो दूसरी आपके पास फंक्शन आ रहा था ये इसके डेरिवेटिव के तौर पर इस्तेमाल हो गया, ठीक है। 3 की कमी थी तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, 3 से मैंने डिवाइड भी कर दिया। अब जब इसके एंगल का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो आप इंटीग्रेट कर लें। साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, जो एंगल साइन के साथ है वही एंगल कॉस के साथ आएगा, लिमिट आपकी जाएगी फ्रॉम 0 to 2। माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, एक दफा कॉस एक्स की जगह पर अपर लिमिट लगानी है ऊपर पावर 3 वैसी, फिर माइनस कॉस एक्स की जगह पर लोअर लिमिट लगानी है ऊपर पावर 3 वैसी। अब 2 की पावर 3 लेंगे यू गेट 8, 0 की पावर 3 लेंगे 0, कॉस 0 आपके पास होता है 1, कॉस 8 जो है वो हम कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं, कॉस 8 जो है वो आपके पास आया -0.145, -0.145, ठीक है। -0.145 में आप -1 जो है वो ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा -1.145, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे आ जाएगा -1.145 और बाहर आपके पास लिखा हुआ है -1/3। तो स्टूडेंट्स ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को जब आप 1.145 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 1.145 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको आप 3 पे डिवाइड कर दें। जब आप इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो यू गेट 0.38, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली का साइन है कि तकरीबन इतना आएगा। ये साइन इसलिए लगाया क्योंकि आपके पास ये चलता जा रहा है 0.381833344601 तो फिर हम अप्रोक्स जब 2 डिजिट्स तक या 3 डिजिट्स तक आंसर लिखते हैं तो हम अप्रोक्सीमेट का साइन डाल देते हैं कि अप्रोक्सीमेटली आंसर इतना है, ठीक है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 32। रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू -x एंड y इज इक्वल टू 4। देखें तीनों उसने y की वैल्यूज दे दी हैं, x की उसने आपको कोई वैल्यू नहीं दी, ठीक है। जबकि लिमिट आपको x की भी चाहिए, लिमिट आपको y की भी चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखो इसमें और इसमें दोनों में x शामिल है, तो x की अपर और लोअर लिमिट मैं यहां से निकाल सकती हूँ, y के लिए आप ये इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो y की एक लिमिट दी हुई है 4, तो y की दूसरी क्या हो जाएगी फिर 0, ठीक है। अगर एक लिमिट दी हुई है जो भी दी हुई है तो दूसरी अगर नहीं गिवन तो वो क्या होगी 0, ठीक है। x की लिमिट हम यहां से निकाल लेते हैं, 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x की एक लिमिट आपके पास आ गई y/2। यहां से अगर आपने x की लिमिट निकालनी है तो x के साथ माइनस है, माइनस को आप इधर ले आए तो x की लिमिट आपके पास आ जाएगी -y, ठीक है। तो x की लिमिट आपके पास क्या आएगी -y से y/2 तक। x की लिमिट है -y से y/2 तक और y की लिमिट आपको बता दी 0 to 4 है। इसको आपने e की पावर xy आपको फंक्शन दिया हुआ है। अब क्योंकि आपने पहले x की लिमिट्स लगाई हैं तो पहले आपने इसको x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, फिर आपने इसको y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है। नाउ द क्वेश्चन अगेन अराइजेस कि पहले हम x के लिहाज से क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं, पहले y के लिहाज से क्यों नहीं इंटीग्रेट कर रहे लें जी। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप पढ़ के आए हैं कि e की पावर में कुछ भी लिखा हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आप पढ़ के आए हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही होता है और आगे आप उसकी पावर का भी डेरिवेटिव लेते हो,
ठीक है, ऐसे ही पढ़ा है ना आपने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही है, आगे आपने उसकी पावर का भी डेरिवेटिव लेना है। अगर आप कहते हो कि पहले हम एक्स के लिहाज से नहीं, पहले वाई के लिहाज से करना चाहते हैं, तो फिर डेरिवेटिव भी ऑब्वियसली वाई के लिहाज से पहले लोगे, है ना। अब जब आप वाई के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहां पर एक्स आपके पास कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव आपका सिर्फ किस पे लगना है, एक्स बाहर चला गया, डेरिवेटिव सिर्फ लगना है वाई पर। इस पे बेशक आप क्वोशेंट रूल लगा लें, बेशक आप ऐसे कर लें कि ये ई की पावर एक्स ओवर वाई एक्स डी ओवर डी वाई, वाई की पावर आपके पास आ जाएगी -1। ठीक है, तो यहां पर अगर आप पावर रूल के हिसाब से डेरिवेटिव ले लें तब भी ठीक है, यहां पर क्वोशेंट रूल लगा लें तब भी ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ई की पावर एक्स ओवर वाई एक्स। यहां पे जब आप पावर रूल के हिसाब से डेरिवेटिव लोगे, तो आप करते होते हो पावर पहले आएगी, पावर में से आप एक माइनस कर दोगे, तो -1 में से जब 1 माइनस करेंगे यू गेट -2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा ई की पावर एक्स ओवर वाई एक्स, पावर नेगेटिव है नीचे आ जाएगी, वाई का स्क्वेयर हो जाएगा, और ये जो माइनस है इसको मैंने यहां स्टार्ट में डाल दिया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया डेरिवेटिव का प्रोसेस, आप कर क्या रहे हैं इंटीग्रेट। डेरिवेटिव का प्रोसेस बताने की भी एक वजह है। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूं कि अगर आप कहते हो कि हम पहले y के लिहाज से इंटीग्रेट करते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, लेकिन शर्त यह कि आगे उसकी पावर का डेरिवेटिव मौजूद हो। इसको आप सिर्फ उसी वक्त इंटीग्रेट कर सकते हैं जब इसकी पावर का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। तो अगर आप पहले वाई के लिहाज से इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो आगे आपके पास ये मौजूद होना चाहिए, पावर का डेरिवेटिव आपने लेके देखा, ये आपके पास डेरिवेटिव है, तो माइनस एक्स ओवर वाई का स्क्वेयर आपके पास आगे मौजूद होना चाहिए। लें जी e की पावर x ओवर y, आप कहते हो कि नहीं जी हमने पहले इसको y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही है, लेकिन शर्त यह कि आगे इसकी पावर का डेरिवेटिव मौजूद हो। किसके लिहाज से, जिसके लिहाज से आप पहले इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो अगर आप कहते हो हमने y के लिहाज से पहले इंटीग्रेट करना है, तो स्टूडेंट्स फिर आगे माइनस एक्स ओवर वाई का स्क्वेयर मौजूद होना चाहिए, फिर आप इसको पहले y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें, अब आप कह देते हो कि हमें ये डेरिवेटिव चाहिए, तो ठीक है माइनस एक्स ओवर वाई स्क्वेयर से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और इससे डिवाइड भी कर देते हैं। यही करोगे ना खुद से, कि अगर आपको इसका डेरिवेटिव आगे चाहिए, तो आपने कहा हमने इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया, लें जी हमने इससे डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो जब आप इससे डिवाइड करोगे तो उलट जाएगा। चलें लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, ये लें जी इससे मैंने डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब इसका तो आगे डेरिवेटिव मौजूद हो गया। ठीक है, तो इसको तो आप आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे, लेकिन अब मेरी बात आपने गौर से सुननी है। देखो e की पावर x ओवर y, इसका आगे आपके पास डेरिवेटिव आ गया माइनस एक्स ओवर वाई का स्क्वेयर। हमने जी खुद ही से मल्टीप्लाई कर दिया, खुद ही से हमने डिवाइड भी कर दिया। हमें मैथ्स इजाजत देता है कि अगर हम एक चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी से हम डिवाइड कर दें, तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, अब जब आप इंटीग्रेट वाई के रिस्पेक्ट से कर रहे हो, ठीक है, ये तो इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है, इसको तो कुछ नहीं करना। यहां पर आप देखो कि ये एक्स आपके पास, जब वाई के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हो, एक्स कॉन्स्टेंट है, इसको तो चलो आप इंटेग्रल से बाहर निकाल लोगे। इसको नहीं आप इंटेग्रल से बाहर निकाल सकते, क्योंकि y के लिहाज से ही आप इंटीग्रेट कर रहे हो, और y वाली टर्म को ही आप इंटीग्रल से बाहर निकाल दो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। चलो जी, तो ये इसके साथ आ गया। अब दो फंक्शन आपके पास कोशेंट में आ गए, एक फंक्शन ये तो चले इसका आगे डेरिवेटिव हो गया, दूसरा ये आ गया। तो कोशेंट में दो फंक्शन हो, तो मुझे बताएं जरा उसको इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। ठीक है, फिर दूसरा तरीका क्या है कि ये y की पावर 2 है, ये बटे के नीचे बटा आ रहा है ना, तो जो बटे वाला होता है वो ऊपर आ जाता है, बटे के नीचे बटा आ रहा है। x को जब आपने बाहर निकाल दिया, तो यहां पर क्या रह जाएगा 1,
ठीक है। एक्स को बाहर निकाल दिया, यहाँ आपके पास वन आ जाएगा, नीचे वाई स्क्वायर है। लें जी, बटे के नीचे बटा आ गया, तो जब बटे के नीचे बटा हो तो नीचे वाला ऊपर आ जाता है, जब नीचे वाला ऊपर आएगा तो वाई स्क्वायर आपके पास ऊपर आ जाएगा, आपके पास रह जाएगा e की पावर x ओवर y, और आगे जी इसका आपने जो डेरिवेटिव बनाया था माइनस x ओवर y का स्क्वायर dy, और वो जो x था उसको आपने बाहर निकाल दिया। अब जो बाहर निकाल दिया उसकी तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। लेकिन ये देखो, ये फिर दो फंक्शंस आ गए, एक ये दूसरा ये, और क्योंकि y के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये भी y वेरिएबल में है, ये भी y वेरिएबल में है। चलो जी, फिर दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आ गई, तो फिर यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल तो इंटीग्रेशन में नहीं लगता, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी, फिर मजीद कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको करने लगी हूँ विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट, और आप देखोगे कि विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करने का मुझे कितना फायदा होना है। चलें जी, देखें विद रिस्पेक्ट टू एक्स अब आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ले आपके पास ई की पावर एक्स वाई की, बच्चों इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स वाई ही होनी है, शर्त ये कि इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, किसके लिहाज से, जिसके लिहाज से पहले इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो आप किसके लिहाज से इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, डी एक्स, यानी कि एक्स के लिहाज से पहले इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसका आगे डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से मौजूद होना चाहिए। ले जी, देख लेते हैं इसका अब डेरिवेटिव क्या बनता है, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन यही होगी, शर्त ये कि इसकी पावर का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। तो देखते हैं जी कि पावर का अब डेरिवेटिव क्या बनता है अगर हम एक्स के लिहाज से इंटीग्रेशन ले रहे हैं। तो जब x के लिहाज से इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो पावर का डेरिवेटिव भी x के लिहाज से आगे मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अब जब x के लिहाज से आगे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए तो यहाँ y तो आपके पास ऐसा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर निकल जाएगा। डेरिवेटिव आपने सिर्फ फिर किसका लेना है, x का। x का डेरिवेटिव x के हिसाब से वन हो जाएगा, इसका मतलब है कि मुझे आगे वन ओवर वाई चाहिए, ठीक है। इसको मैं x के लिहाज से सिर्फ उसी वक्त इंटीग्रेट कर सकती हूँ जब इसकी पावर का आगे x के लिहाज से डेरिवेटिव मौजूद हो। तो आपने देखा कि पावर का जब मैं x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रही हूँ तो वो 1 ओवर y आ रहा है, इसका मतलब है मुझे 1 ओवर y चाहिए आगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि मैंने y से डिवाइड भी कर दिया, y से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। अब ये और ये वाला हिस्सा तो इसका डेरिवेटिव है, y को आप इंटेग्रल से अब बाहर निकाल सकते हैं, ये वाले y को इंटेग्रल से बाहर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं x के लिहाज से इंटीग्रेट कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, जब मैं x के लिहाज से इंटीग्रेट कर रही हूँ तो वहां पर y मेरा एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव कर रहा है, सो ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा टर्म आ रही है इसको मैं एज अ कॉन्स्टेंट इंटेग्रल से बाहर निकाल सकती हूँ, ठीक है। आपके पास e की पावर x ओवर y और 1 ओवर y रह जाएगा। तो अब आप देखो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास आगे मौजूद है, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही है, शर्त ये है कि उसकी पावर का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। तो अब पावर का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो e की पावर x ओवर y की इंटीग्रेशन e की पावर x ओवर y खुद ही है, एंड योर लिमिट गोज फ्रॉम माइनस वाई टू वाई ओवर टू। एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट किया है तो एक्स की जगह पर लिमिट लगानी है, वाई ओवर टू एक्स की जगह पर लगाया, नीचे वाला वाई साथ वैसे ही, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट लगानी है तो ई वैसे ही, एक्स की जगह पर लिमिट लगानी है, एक्स की जगह पर माइनस वाई लगाया, नीचे वाला वाई वैसे ही। समझ आ रही है? x की जगह पर पहले आपने लगाई अपर लिमिट y ओवर 2, ये वाला y साथ वैसे, फिर माइनस, x की जगह पर आपने लगानी है अपर लिमिट, लगा ली लोअर लिमिट लगानी है, e वैसे ही आना है, x की जगह पर आपने लोअर लिमिट लगाई माइनस y, नीचे वाला y वैसे। अब ये y y से कैंसिल हो जाना है,
यहाँ आपके पास माइनस वन बचेगा, यहाँ पे भी वाई वाई से कैंसिल हो जाना है, ऊपर वन बचेगा नीचे टू, तो यहाँ पर ई की पावर आपके पास आ जाएगी वन ओवर टू और यहाँ पर ई की पावर माइनस वन। अब ये सारा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, कॉन्स्टेंट कैसे है कि इसमें वाई वेरिएबल शामिल नहीं है, तो ये सारा आपके पास इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेट आपने सिर्फ वाई को करना है। अब वाई का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में एक ऐड करना है, उसी से डिवाइड कर देना है, लिमिट जाएगी फ्रॉम जीरो टू फोर। वाई की जगह पर जब अपर लिमिट लगाएंगे तो फोर ऊपर वाला स्केयर भी वैसे ही, नीचे वाला टू भी वैसे ही, लोअर लिमिट लगाने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि जब यहाँ लोअर लिमिट लगाएंगे आपके पास ये सारा जीरो हो जाएगा। अब फोर का स्केयर लोगे 16, 16 को जब टू पे डिवाइड करोगे यू गेट 8, ठीक है। ई की पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे ले आई। यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपके पास ई आ जाएगा, इसका और इसका एलसीएम लिया है तो ई से इधर भी मल्टीप्लाई कर ले, ई से इधर भी मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। एलसीएम ई आया ना, तो जो एलसीएम आया उसे इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, उसे इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ ई की पावर वन ओवर टू और ई की पावर वन, तो टोटल करेंगे तो ई की पावर आपके पास आ जाएगी थ्री ओवर टू, ठीक है। और अगर आप इसका पॉइंट्स में आंसर देना चाहते हैं तो कैलकुलेटर पकड़े, ई की पावर लें थ्री ओवर टू, जो आंसर आए उसमें से वन को माइनस करें, फिर जो आंसर आए उसको ई पर डिवाइड कर दें, फिर जो आंसर आए उसको एट से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास पॉइंट्स में भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये थे आपके एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 27 से 32। इसमें मोस्ट इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन मुझे लगे हैं वो ट्रायंगुलर रीजन वाले हैं, उसमें आपने एक नई चीज सीखी कि कैसे आपने लिमिट्स कैसे लेनी है, स्लोप ऑफ लाइन लेनी है आपने, इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है, वहां से आपके पास एक्स वेरिएबल की लिमिट्स आ जाएंगी, ठीक है। जिन पॉइंट्स को यूज करते हुए आपने स्लोप ली, जिन पॉइंट्स को यूज करते हुए आपने इक्वेशन ऑफ लाइन बनाई, उसके अलावा जो आपके पास लाइन पॉइंट्स बचते हैं उससे आपने जो है अपनी वाई की लिमिट्स ले लेनी है, तो वो वाली चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। आपने नया कॉन्सेप्ट सीखा है कि आप कैसे ट्रायंगुलर रीजन हो तो कैसे लिमिट्स जो है वो आप पुट करते हैं। सेकेंडली, जो आपके पास 30 से 32 तक क्वेश्चन थे उसमें आपने देखा है, स्पेशली जो आपके पास 31 वाला क्वेश्चन था उसमें आपने देखा कि सारा कुछ आपको वाई में दे दिया, तो वहां से आप एक्स की लिमिट्स कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। खैर, आज हम अपना लेक्चर इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।